आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा माँ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसे देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने अपने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हुई है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स हरिद्वार में तैनात की गई है, इसके साथ ही नोडल ऑफिसर्स भी तैनात किए गए हैं। 22 मई से प्रदेश में श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट से विचार विमर्श के बाद ये गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस के अनुसार हेमकुंड साहिब जाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब में एक बार में 5,000 श्रद्धालु ही पहुंच सकेंगे। मौसम विभाग ने आज से 3 दिन के लिए चारधाम सहित पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की और मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी चलने की संभावना भी जताई है। इसके अलावा प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। इस बारिश से मैदानी क्षेत्रों में तापमान में कुछ कमी जरूर दर्ज की जाएगी। तो 2 दिन 17 और 18 में फिर से जो एक पश्चिम विक्षोभ है वो निकल रहा है और लोअर लेवल में भी जो ईस्टर्ली विंड्स है वो मिल रही हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर आ रही है। तो फिर से 17 18 में कुछ एक्टिविटी आपको प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। तो जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो कहीं कहीं पर तेज शावर भी गिरेंगे, तो उससे थोड़ा सतर्क रहना जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कॉमन सिविल कोड की बात दोहराई है। रुद्रपुर पहुंचकर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिस्ट के प्रांतीय अधिवेशन में दोहराई ये बात उन्होंने। साथ ही नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की 11 सूत्रीय मांग पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून हेतु गंभीरता से विचार किया जाएगा और जो भी बेहतर होगा वह कार्य को अंजाम दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने चारधाम व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम पहुंचे यात्रियों को वहां से लौटाए जाने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार को यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का फैसला समय रहते हुए कर लेना चाहिए था। अब जब यात्री वहां पहुंच गए हैं तो उन्हें वहां से लौटाए जाने पर वह ठगासा महसूस कर रहे हैं। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, मुख्यमंत्री, अगर इन सबके बयान आप चारधाम यात्रा को उठाकर देखेंगे तो आपस में कोई तालमेल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि यात्री और यात्रा दोनों इनके हाथों से सरकती इनको नजर आ रही है, तो ये नए नए प्रयोग करने पर उतर आए हैं और यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। बड़ा भाई कहते हैं आप उत्तर प्रदेश को, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की मांग की थी आपने, क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे हैं आप बसों की? क्यों यात्रियों का बजट जो है बिगड़ रहा है परिवहन और ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से, और ये पंजीकरण वाला नया राग शुरू कर दिया? अगले 25 साल के कालखंड में उत्तराखंड राज्य अपने विकास की क्या इबारत लिखेगा, इसके लिए नीति आयोग ने प्रदेश सरकार से अगले 2.5 दशक में राज्य के विकास के लिए सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कालखंड को अमृत काल की मिसाल दी है। नीति आयोग ने मुख्य सचिव एसएस संधु को पत्र लिखकर 10 प्रमुख क्षेत्रों में राज्य की भावी रूपरेखा के बारे में पूछा है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस चिंतन शिविर में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा ने भी अपनी बात रखी। करण महारा ने कहा कि कांग्रेस सच नहीं बेच पा रही है और बीजेपी झूठ बेचने में सक्षम हो रही है, जिसे हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस नए रूप में नजर आएगी। हम सच नहीं बेच पा रहे, हकीकत यह है, और बीजेपी लगातार झूठ को बेच रही है और बेचने में सक्षम है। तो यही हमारा चिंता का विषय है कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद, इतने इंस्टीट्यूट्स देने के बाद, राष्ट्र को खड़ा करने की हर चीज़ करने के बाद, भारत को उन्नतशील देश के साथ साथ एक मॉडर्न इंडिया में कन्वर्ट करना, ये सब कांग्रेस ने किया, और हम इन सारी चीज़ों के होते हुए भी लोगों के बीच में पॉपुलर क्यों नहीं है, ये चिंता का विषय है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने काशीपुर के पैराडाइज होटल में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोग काफी लंबे समय से होटल पैराडाइज में संचालित सेक्स रैकेट की शिकायत कर रहे थे, लेकिन होटल के बाहर मुख्यमंत्री धामी के साथ फोटो होने की वजह से और होटल स्वामी मुख्यमंत्री के धामी से अपने संबंध बताकर पुलिस के बीच झूठ का माहौल तैयार कर रहा था। यहाँ से निकलना लड़कियों का भारी है, कोई निकल नहीं सकता। एक दो बार कमेंट पास हुए, लोगों ने गलत तरीके से किया, मैंने उसकी यहाँ चौकी में रिपोर्ट भी कराई, छोटी बहन के साथ हुआ, और इसके चलते इन्होंने मेरे बोर्ड भी हटा दिया था। इस चीज़ पे हमने आवाज़ उठाई तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी थी। इन्होंने मुझसे कहा जो होता है उखाड़ लो, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे तो मंत्री साथ हैं, मंत्री जी ने तुम्हारा बोर्ड गिराया, जो करना है कर लो, मंत्री जी का बिगाड़ लो। पुष्कर सिंह धामी जी। हरिद्वार कनकल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप में एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही कनकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।